गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल माहौल क्रिप्टो का में। दोस्तों प्लेटिन वर्ल्ड कंपनी के रिगार्डिंग मैंने कल लीगलिटी के रिगार्डिंग एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने यहाँ पर आपके साथ के प्रूफ शेयर किए कि प्लेटिन वर्ल्ड के नाम पर अलग अलग कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाया गया। प्लेटिन वर्ल्ड का सिर्फ नाम यूज हुआ है, लेकिन वाकई में अगर आप बात करोगे जिस कंपनी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया, वो कंपनी तीसरी या चौथी ही थी। इसके रिगार्डिंग मैंने कई सारे यहाँ पर आपको वेबसाइट्स भी दिखाई थी, और उसके ऊपर जो आई एम प्रिंट्स का एक ऑप्शन था उसके अंदर जाके मैंने कंपनीज भी दिखाई। मैं फिर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, मैंने ट्रैवल कंपनी के बारे में बताया था, ट्रैवल कंपनी जो कि प्लेटिन वर्ल्ड की ही कंपनी थी, और उसके रजिस्ट्रेशन भी मैंने बताया था, किंगस्टोन नाम के एक आइलैंड पे ये कंपनी रजिस्टर्ड है। वैसी पीएलसी अल्टीमा का मैंने भी आपको बताया था वहाँ पे कि ये कंपनी डिजिटेक एएलएलसी कंपनी है। वैसे मैंने स्मार्ट के बारे में बताया था, अलग अलग चार पांच कंपनीज के बारे में आपको बताया था, और एक सवाल खड़ा किया था यहाँ पर वीडियो के माध्यम से कि प्लेटिन वर्ल्ड का नाम यूज़ करते हुए किस तरीके से अलग अलग कंपनीज के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया गया। वहीं पर बात मैंने ये भी कही थी दोस्तों कि प्लेटिन वर्ल्ड के साथ साथ कंट्रीज़ का नाम यूज़ किया गया था, स्विट्जरलैंड का, जर्मनी का और दुबई का, कि हमारी कंपनी इन कंट्रीज में रजिस्टर्ड है, आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, ट्रस्टेड कंपनी, और प्लेटिन वर्ल्ड पिछले 7 साल से मार्केट में काम कर रही है। और दोस्तों इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे। उसके बाद दोस्तों कई सारे सोशल मीडिया पे वीडियोज आए, कई सारे स्पष्टीकरण भी दिए गए कंपनी और उनके एजेंटों की तरफ से, लेकिन दोस्तों उन सारी चीज़ों में आप देखोगे ना तो जो आपका मुख्य सवाल था उससे कहीं ना कहीं भटका दिया गया। आपको समझाने के लिए कहा गया था टाटा ग्रुप का नाम लिया गया था कि टाटा ग्रुप की कई सारी कंपनीज है, लेकिन हम टाटा ग्रुप में जो रतन टाटा जी हैं उनके फेस के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब टाटा ग्रुप की इतनी सारी मल्टीपल कंपनीज हो सकती है तो प्लेटिन वर्ल्ड की क्यों नहीं हो सकती है? तो दोस्तों और भी इसके कई सारे एग्जांपल दिए गए जिसमें क्रिप्टो लो की सूटेबिलिटी के बारे में कहा गया, कई सारे अलग अलग चीज़ें आप बताई गई। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ आपके यहाँ पर कहूँगा कि हो सकता है जिस कंट्री में रजिस्ट्रेशन करवाना वहाँ का क्रिप्टो का लॉ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो लॉ के बिहार पे आप अलग अलग कंट्रीज़ में रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। मैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर सवाल यहाँ पर नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मेरा मुख्य सवाल ये है कि आप झूठ बोल के किस तरीके से रजिस्ट्रेशन और कंट्रीज़ का नाम लेके लोगों से इन्वेस्टमेंट कराना कितना सही है। तथ्यों को छुपा के रजिस्ट्रेशन के और कंट्रीज़ के नाम को लोगों से इन्वेस्टमेंट कराना कितना सही, ये मेरा मुख्य सवाल था। और रही बात टाटा कंपनी से दोस्तों कंपैरिजन की, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आपको कि टाटा की कई सारी कंपनीज है मार्केट के अंदर, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा फर्क टाटा और प्लेटिन वर्ल्ड के अंदर ये है दोस्तों कि टाटा MLM बेस्ड कंपनी नहीं है। टाटा ग्रुप का कोई भी एक एजेंट नहीं है जो कि घर घर जाके कहता है कि हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लो, नहीं रतन टाटा जी कभी जूम पे आते हैं, कहीं सेमिनार करते हैं, वेबिनार करते हैं, नहीं रतन टाटा जी कहते हैं कि मेरी कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड कर दो, मेरा फेस वैल्यू यूज़ करो और आप हमारी कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड कर दो। अगर दोस्तों कोई भी एजेंट अगर आता है कि भाई हमारी टाटा ग्रुप के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करो, टाटा मोटर्स का नाम लेके अगर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करा देता है तो दोस्तों वो गलत होगा, टाटा स्टील में करा देता है तो गलत होता, यानी कि टाटा की बहुत सारी कंपनीज तो हैं लेकिन कोई भी MLM बेस्ड मॉडल नहीं है, नहीं कोई फिजिकल एजेंट मार्केट में मौजूद है। ऐसा ही अडानी के साथ है, अडानी की मल्टीपल कंपनीज है लेकिन वो एक सेल्फ है। जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है वो अपनी रिसर्च पहले करता है, वो कहीं से भी किसी से भी मिसगाइड नहीं होता, जो कोई मिसगाइड करता है वो गलत करता है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों कंपनीज के बीच समझने की जरूरत है कि प्लेटिन वर्ल्ड एक MLM मार्केटिंग वाली कंपनी है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन्फ्लुएंसर द्वारा करवाया जाता है, यानी कोई भी एजेंट घर जाता है, वो सारी चीज़ों को तथ्यों को रखता है कस्टमर के सामने और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करता है, जबकि टाटा के साथ ऐसा नहीं है। तो टाटा के साथ अगर कंपैरिजन कोई भी करता है तो ये बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा गलत है और मिसगाइड करने का फिर से काम किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर सोचना समझना है कि टाटा के साथ कंपैरिजन करके आपको सेटिस्फाइड किया जा रहा है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं होना है, आपको सवाल यहाँ पर करते रहना है। क्योंकि दोस्तों प्लेटिन वर्ल्ड की बात करेंगे तो प्लेटिन वर्ल्ड का जो भी एजेंट वो आपके घर आया होगा उसने ये कहा होगा कि प्लेटिन वर्ल्ड पिछले 7 साल से मार्केट में है और इसका रजिस्ट्रेशन दुबई में है, स्विट्जरलैंड में या फिर जर्मनी में, जो भी नाम आपको लिया होगा उसने कहा, उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, जबकि टाटा ग्रुप के साथ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको सोचना समझना है कि तथ्यों को छुपा कर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करवाया है आपसे, या कंट्री के रजिस्ट्रेशन के बारे में छुपा के गलत कंपनी का नाम लेके आपसे रजिस्ट्रेशन कराया है, तो वो यहाँ पर गलती है, फ्रॉडी है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2021 पढ़ेंगे दोस्तों आप यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लियरली ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए ही बना है, यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि डायरेक्ट सेलर यानी कि जो एजेंट कोई भी किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट सेल करता है तो अपने कस्टमर को सही सही जानकारी कंपनी के बारे में देना जरूरी है, उसके रजिस्ट्रेशन से लगाकर, उसके पैन कार्ड से लगाकर, उसके GST रजिस्ट्रेशन से लगा के, यानी सारे रजिस्ट्रेशन की ओरिजिनलिटी कस्टमर को बतानी जरूरी होती है, वरना ये वॉयलेशन ऑफ लॉ होता है। ऐसा मेरी समझ है दोस्तों, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप एक बार खुद अपनी रिसर्च करें और इस लॉ को पढ़े, आपको यहाँ पर क्लियरली पता चल जाएगी। तो कुल मिला के दोस्तों जो लोग भी आपको टाटा के नाम पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लेटिन वर्ल्ड को कंपैरिजन टाटा से करें, तो उनसे सवाल जरूर करिएगा कि टाटा कौन सी MLM कंपनी है, टाटा के अंदर कौन सा मार्केट से एजेंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कराते हैं, जबकि प्लेटिन वर्ल्ड में एजेंट कराते हैं। और
इस वीडियो का मुख्य मुद्दा भी यही था दोस्तों कि जो इन्वेस्टमेंट करवाया गया है आपसे वो प्लेटिन वर्ल्ड के नाम से कराया गया, जबकि लीगलिटी आप देखोगे खुद इनकी वेबसाइट पे तो वो कंपनी है ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इस पूरे पेज में आप कहीं भी पढ़ोगे तो कहीं पर भी प्लेटिन वर्ल्ड और डिजिटेक ALLC कंपनी या जितनी भी चार पाँच कंपनीज है उनका कहीं भी रिलेशन नहीं दिखाया गया। अगर इस पेज पर कहीं इस तरह की इंफॉर्मेशन होती कि भैया प्लेटिन वर्ल्ड पेरेंट कंपनी है और ये सारी कंपनी उसके अंडर है तो भी हम मानते कि चलो इनका कोई रिलेशन है, इन दोनों कंपनी के बीच का रिलेशन भी आपको कहीं पर भी नहीं दिखाया गया है। तो दोस्तों क्या आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ है? क्योंकि एक लीगल पेज है और यहाँ पर सारी लीगल चीजें दी हुई है, यहाँ पर लीगलिटी की सारी चीजें दी हुई है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ कोई भी लीगल केस यहाँ पर बनता है ना तो प्लेटिन वर्ल्ड के ऊपर नहीं बनेगा, डिजिटेक ALLC कंपनी के ऊपर बनेगा। ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर है। अगर डिजिटेक ALLC कंपनी और प्लेटिन वर्ल्ड के बीच कोई रिलेशन है तो आपको यहाँ पर डिफाइन भी करना चाहिए था, अलेक्स भैया और इस कंपनी का कोई लेना देना है तो आपको यहाँ पर डिफाइन करना चाहिए था। दोस्तों ये सारी चीज़ें नहीं डिफाइन की गई, हम मानते हैं आपने वेबसाइट पे दिखाया आपने सही काम किया, लेकिन जो मार्केट में एजेंट हैं वो तथ्यों को छुपा के गलत तथ्यों को पेश करके इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल होना चाहिए। दोस्तों आप भी अपने एजेंट से ज़रूर सवाल करें कि आपने हमें प्लेटिन वर्ल्ड के बारे में बताया था जबकि कंपनी तो डिजिटेक बता रही है, यहाँ पर डिजिटेक ALLC बता रही है, जबकि प्लेटिन वर्ल्ड और डिजिटेक ALLC कंपनी का कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा है। और दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर चीज़ें गलत है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कुछ कल के वीडियो के बाद कुछ इन्वॉइसेस भी मुझे लोगों ने भेजे हैं जहाँ पर क्लियरली लिखा है ऊपर प्लेटिन वर्ल्ड का नाम लिखा हुआ है। अगर आपने PLC अल्टीमा का कोई फॉर्म बाय किया होगा तो ऊपर जो कंपनी का नाम लिखा हुआ है वो प्लेटिन वर्ल्ड लिखा होगा और उसका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो दोस्तों किंगस्टन का लिखा होगा, जबकि आज आप यहाँ पर वेबसाइट पे आके देखेंगे तो कहीं पर भी प्लेटिन वर्ल्ड मेंशन नहीं है, डिजिटेक ALLC कंपनी मेंशन है। तो इनवॉइस पे अलग कंपनी आप बताते हो, जब मार्केटिंग आप कर रहे हो एजेंट अलग कंपनी बताते हैं और वेबसाइट के ऊपर अलग कंपनी दिखाते हैं, तो क्या ये कस्टमर के साथ गलत नहीं है? अगर गलत है तो सवाल उठाओ दोस्तों। जिस तरीके से कल के वीडियो के बाद सफाई आई हो सकता है आज के वीडियो के बाद और आए, और आप लोग जब एजेंटों से क्वेश्चन करोगे दोस्तों तो और आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। दोस्तों मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय। सवाल करते रहोगे तो जिंदा माने जाओगे, अगर सवाल करना बंद कर दिया तो मुर्दे माने जाओगे, लोग आपका शोषण करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।